नमस्कार, जरा हटके हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती। सूर्य ग्रहण 2019 अपनी राशि के अनुसार इन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। यदि आप 26 दिसंबर के दिन इन चीजों का दान करते हैं तो आपका आने वाला साल निश्चित रूप से खुशियों भरा बीतेगा, सफलता भरा रहेगा और आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए दान हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण में किन किन राशि वालों को किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन किन चीजों का दान करना चाहिए। साल 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर गुरुवार को लगने जा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण का सूतक बहुत समय पहले से ही शुरू हो जाता है, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन भगवान के नाम का जप हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के समय किए गए दान तथा मंत्र जाप शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। आज हम आपको आपकी राशि के अनुसार बताएंगे कि किस राशि वालों को कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। पहली राशि है मेष राशि। इस राशि वालों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल और लाल वस्तु का दान करना चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। इन राशि वालों को चावल, कपूर, सफेद कपड़ा या दूध का दान अवश्य करना चाहिए, इनके लिए अति उत्तम होता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। इस राशि वालों को हरी पत्तेदार सब्जी, हरी दाल, मूंग की दाल, हरा वस्त्र आदि दान जरूर करना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। इस राशि के जातकों को दही, सफेद कपड़ा, दूध, चांदी, चीनी का दान करने से लाभ मिलेगा। इन वस्तुओं का दान जीवन में आकस्मिक संकट से आपको बचाता है। अगली राशि है सिंह राशि। तांबे का सिक्का, तांबे के बर्तन, गेहूं का आटा, स्वर्ण, सेब और कोई मीठा फल दान करने से ग्रहण के शुभ प्रभाव का निवारण होता है। अगली राशि है कन्या राशि। इस राशि वाले लोगों को सब्जी, गाय का हरा चारा, जरूरतमंद को भोजन, जल, इलायची और शरबत का दान करना चाहिए। इसे परिवार के सदस्य के जीवन की रक्षा होती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को मंदिर में पूजन की सामग्री, झाड़ू, अगरबत्ती, दीपक, घी, इत्र का दान, इन सभी का दान अवश्य करना चाहिए। इनका दान करने से भाग्योदय होता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को पीली वस्तुएं, पीली मिठाई, हल्दी, गन्ना, गन्ने का रस, गुड़, चीनी, चंदन का दान करना चाहिए। इससे कारोबार और रोजगार की बाधाएं दूर होती हैं। अगली राशि है धनु राशि। इस राशि के लिए चना, बेसन, केसर, स्वर्ण, मिठाई, चांदी और घी का दान धनु राशि के लिए शुभ माना गया है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को चना, उड़द, पापड़, मटका, तिल, सरसों, कंगा और काजल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त अनिष्ट का निवारण होता है। अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि वालों को लोगों को ईंधन, आटा, मसाले, हनुमान चालीसा, दूध और जरूरतमंद को भोजन कराने से कभी भी आपके वहां अन्न की कमी नहीं होती, अन्न का संकट कभी नहीं आता। अगली और आखिरी राशि है मीन राशि। इस राशि के जातकों को पक्षियों को दाना डालना चाहिए, चींटियों के बिल पर गुड़ व आटे का मिश्रण चढ़ाना चाहिए, साथ ही केला, चने की दाल और जरूरतमंदों को वस्त्र एवं कंबल दान कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि इस सूर्य ग्रहण में किन किन राशि वालों को किन किन चीजों का दान करना चाहिए, ताकि उनका आने वाला साल सुखमय बीते, कोई भी उनको परेशानी ना आए। तो हमें उम्मीद है कि आप इन चीजों का दान अवश्य करेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी चीज दान कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आएगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें ताकि और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए
धन्यवाद।